हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पॉकेट ट्रैवलर में। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बजट रिलेटेड ट्रिप्स के प्लान्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। आज की वीडियो कोई ट्रिप्स रिलेटेड नहीं है, बेसिकली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें कि हम एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं आपसे, जो कि बहुत लोग नहीं जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन रिलेटेड है कैंसर पेशेंट से। तो कैंसर आजकल वाइडली स्प्रेड हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट दिन ब दिन कॉस्टली होता जा रहा है। इस कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो पेशेंट है उसको अपने प्रेजिडेंट एरिया से या सिटी से बार बार ट्रैवल करना पड़ता है अपने हॉस्पिटल के लिए, जो कि किसी अदर स्टेट में भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है उसका इस जर्नी के लिए। तो उसी चीज़ को कम करने के लिए इंडियन रेलवे एक ऑफर देता है या कंसेशन देता है कि वो जर्नी पेशेंट ज़्यादा खर्चा करे बिना कैसे कंप्लीट कर सकता है। तो बेसिकली ये कंसेशन किस तरह काम करता है हम देख लेते हैं। तो अगर कैंसर पेशेंट स्लीपर या थर्ड एसी में टिकट बुक करना चाहता है तो उसे 100% कंसेशन मिलेगा। 75% कंसेशन उसे मिलेगा अगर ये फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या एसी चेयर क्लास में टिकट बुक करता है, और 50% कंसेशन फर्स्ट टायर और सेकंड टायर एसी में। अब मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कैंसर पेशेंट अकेले ट्रैवल नहीं कर सकता, तो अटेंडेंट के लिए भी ये ऑफर वैलिड होता है। सेम कंसेशन उसको भी मिलता है। एक एक्सेप्शन है इसमें कि जब स्लीपर या थर्ड एसी की टिकट बुक होगी तो उसका 75% कंसेशन होगा, बाकी उनको पेड करना पड़ेगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं जिसे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहले, ये जो भी टिकट है ये आपको प्री डिफाइंड करनी होगी, क्योंकि ये आपकी सिटी से या आपके स्टेट से हॉस्पिटल के स्टेट तक ही आप ले सकते हैं, रिटर्न जर्नी के लिए भी और आउटवर्ड जर्नी के लिए भी। दूसरा रूल जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि बेसिक फेयर का कंसेशन है। कोई अगर अदर चार्जेस लग रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन फ़ी है या सुपर फास्ट फ़ी है, तो उस पर कंसेशन नहीं होगा ये। थर्ड इम्पॉर्टेंट रूल है कि कोई ऑनलाइन बुकिंग पे ये वैलिड नहीं होगा, आपको काउंटर से जाके टिकट बुक करानी होगी। वो आपका फॉर्म जो है वो वैलिडेट करेंगे एंड देन टिकट इश्यू कर देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। तो प्रोसीजर क्या है इसका? इसका प्रोसीजर सिंपल है कि जब आपका इलाज चल रहा है या इलाज हो गया है और आप रूटीन चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो एक फॉर्म साइन करा लीजिए या अपने हॉस्पिटल से कहिए कि एक फॉर्म प्रोवाइड कर दीजिए इस कंसेशन के लिए। तो इस पे वो जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा या जो डॉक्टर इंचार्ज होगा वो आपकी साइन करके आपको देगा। स्टेशन के नाम उस पे मेंशन होंगे, वो ही वैलिड है सिर्फ जर्नी करने के लिए, उसको आपको काउंटर पे देना होगा। स्क्रीन पे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, कुछ इसी प्रकार का फॉर्म आपको इशू होगा। अगर हॉस्पिटल फॉर्म प्रोवाइड नहीं करता तो IRCTC की साइट पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, आप उसे फिल करके साइन करवा सकते हैं। फॉर्म साइन करा के आपको सबमिट करना है बुकिंग काउंटर पे, देन वहां पर आपके लिए टिकट इशू हो जाएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप एक बार में दो फॉर्म इशू करा सकते हैं। पहला, हॉस्पिटल से अपने स्टेट के लिए, सिटी के लिए। बेसिकली एग्जांपल ले लेते हैं कि पेशेंट जो है वो मुंबई का रेजिडेंट है और दिल्ली में आया है हॉस्पिटल पे, तो वो दो फॉर्म इशू करा सकता है, एक दिल्ली टू मुंबई का और दूसरा मुंबई टू दिल्ली का। तो जब रूटीन चेकअप होगा तो वो एक बार आके दिल्ली में दिखा सकता है, देन वापस जाने के लिए दूसरा फॉर्म यूज़ कर सकता है। फॉर्म काउंटर वाले रख लेंगे और आपको टिकट दे देंगे, तो फॉर्म आपको वापस नहीं किया जाएगा। दूसरा कि अगर रेलवे के पास टिकट अवेलेबल नहीं है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, मैं 100% श्योर नहीं कह सकता इसको, तब भी कैंसर पेशेंट के लिए कुछ कोटा बचा के रखा जाता है इमरजेंसी टिकट्स के लिए। तो हो सकता है आपको नेक्स्ट दिन की भी टिकट मिल जाए विदाउट तत्काल ऑफर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल नहीं करना चाहते, एयर टिकट लेना चाहते हैं, तो उसकी भी फैसिलिटी देता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले एयरलाइन से कंफर्म करना पड़ेगा कितने परसेंट का कंसेशन है, फिर आप हॉस्पिटल से बात करेंगे और वो आपको इशू कर देंगे उसके रिगार्डिंग एक फॉर्म।
तो उसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं एयरलाइन को, एंड देन जो भी प्रोसेस होगा वो फॉलो करके आपको कंसेशन में टिकट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो बेसिकली ये बहुत मुझे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक लगा, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और इसका बेनिफिट नहीं उठा पाते, इसलिए मैंने शेयर किया है आपके साथ। होपफुली आपको पसंद आएगा और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए। थैंक यू।